आज हम बना रहे हैं आलू का कचौड़ी। इसके लिए हमने आलू लिया है, अब इसमें नमक डालेंगे। अब इसमें आधा चम्मच में नमक डाला है, आधा चम्मच इसमें लाल मिर्ची डालेंगे, आधा चम्मच इसमें गर्म मसाला डालेंगे, आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे और आधा से थोड़ा कम इसमें हम काला नमक डालेंगे। अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे, जिससे कि इसमें मसाला अच्छे से मिल जाए पूरा अच्छे से। इसको जितना भी सामान इसमें डाला है उसका एक हम ऐसा बना, आलू उसके एकदम महीन होने चाहिए, जिससे हमारी कचौड़ी फटेगी नहीं। अगर आलू महीन नहीं हुए तो कचौड़ी जो हम भरेंगे ना उसमें आलू का मसाला, तो वो फटेगी। इसलिए उसको बहुत अच्छे से एकदम फाइन मैश करना है उसको। देखिए मसाला हमने रेडी कर लिया है, एकदम बिल्कुल मस्त मसाला बना है। अब हम इसका डो बनाएंगे, कचौड़ी का डो बनाएंगे। इसके लिए हमने मैदा लिया है, अब इसमें हम रिफाइंड डालेंगे। अब ये हमने मैदा लिया है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे कचौड़ी में अच्छा सा स्वाद आ जाए। इसमें हम रिफाइंड डालेंगे, रिफाइंड हमें इतना डालना है। मेन चीज़ इसमें यही है, आप को अगर खस्ता कचौड़ी चाहिए मिठिया जैसा तो उसमें आप इतना रिफाइंड डालिए कि मुट्ठी सी बनने लगे। देखो जैसे हमने रिफाइंड डाला है तो रिफाइंड डालिए मोया, इसमें मोया बहुत जरूरी होता है लगाने के लिए, जिससे हमारा अच्छा एकदम खस्ता कचौड़ी बनती है। देखो इस तरह से मोया लगाना है आपको, ऐसे मुट्ठी सी बनने लगे, फिर आप समझ जाइए कि हाँ आपका डो रेडी है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छा सा डो बनाएंगे। हम इसमें हमने जो रिफाइंड डाला था, देखिए हम अच्छे से मैश कर लिया है, और देखिए इसका ऐसा बनना चाहिए, इससे आपकी कचौड़ी एकदम खस्ता बनेगी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक इसका डो बना लेंगे अच्छा सा। तो हमें पूरी जैसा बनाना है, रोटी जैसा नहीं बनाना है, पूरी जैसा जैसे पूरी का टाइट करते हैं ना वैसे ही टाइट बनाना है। इसको एकदम मैश करते जाइए आप एकदम। अब हमने जो लगा लिया है, अब हमें इसको इस तरह से इसको मैश करना है, जिससे हमारी कचौड़ी यानी कि वैसे परतों वाली भी बनेगी और अच्छी बनेगी एकदम से। इसको अपन को ऐसे बार बार मैश करना है। इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया था, अब इसका हमें अच्छा इस तरह से हम इसकी अपने हिसाब से लोई काट लेंगे कि हमें कितना बड़ा कचौड़ी का साइज चाहिए। हमने अपने हिसाब से कचौड़ी का साइज रखा है, आपको जो भी रखना हो आप रख सकते हैं। हम इसको हाथ से ही आपको पूरा इसको बड़ा करना है, तो इस तरह से आगे की साइड को दबाइए और बीच में ऐसा पकड़ के आगे की साइड को दबाना है इस तरह से, तो हमारा बन जाएगा ऐसा। अब इसमें हमें जो मसाला बनाया था आलू का वो रखना है, तो थोड़ा सा रखेंगे, मिठिया लोग भी थोड़ा सा ही रखते हैं जिससे फटती नहीं है और अच्छी बनेगी। फिर हम इसको ऐसा करके चारों तरफ से इसको यूँ दबा देंगे इस तरह से, और इसको ऐसे इसको पूरा हाथ से इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा फैला लेंगे, जिससे चारों तरफ से बराबर हो जाए और सिटी भी अच्छी है। तो इस तरह से हम सारी कचौड़ी अपनी तैयार कर लेंगे। हमने ये कचौड़ी रेडी कर ली है सारी अपनी, देखिए आप किस तरह से पूरा कर लिया हमें रेडी। अब इसको फ्राई करेंगे। हमने एक ऑयल लिया है, अब हम कैसे मालूम करेंगे कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा सा हम छोटी सी इतना सा मैंने का टुकड़ा लिया, इसमें हम डाल के देखेंगे कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। अभी हमारा ऑयल गर्म नहीं हुआ, ये ऊपर आ जाएगा तो हम समझ लेंगे हमारा ऑयल गर्म हो गया है, फिर हम ये डालेंगे। मैं चीज़ में यही होती है, देखिए हमने डाला था इसमें ऊपर आ गया, यानी कि हमारा ऑयल सही से हो गया। इसको हम एकदम स्लो करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे, जो हमारी कचौड़ियाँ इसमें इतनी ही आँच पर हमें इनको डालना है। ये हमने डाल दी हैं, अब इनको हम ऐसी धीमी आंच पे पकने देंगे इनको। देखिए ये कचौड़ी हमारी फूल के ऊपर आ गई है, हम आपको दिखाते हैं कि देखिए फूल के आराम अच्छी सी फूल गई है एकदम। हम इनको निकाल लेंगे जो पक गई हैं। देखिए हमारी खस्ता कचौड़ी रेडी है, और हमने रायता भी बनाया है जिससे हम खाएंगे। अब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कितनी खस्ता बनी है। देखिए आप एकदम मस्त कचौड़ी बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार इसको, और खा के देखिए और बताइएगा हमें कि कैसी बनी है कमेंट्स में। देखिए आप।